हे हाय हेलो गाइस। तो आज के रेको नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पीकेएल सीजन 9 के लिए, जो कि ऑक्शन में अपनी टीमों द्वारा रिलीज करने वाले इन पांच खिलाड़ियों को, जो कि हमने यहां पर वीडियो में बताया। जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो यहाँ पर पाँचवें नंबर पर हमने रखा है बंगाल वॉरियर्स से खेलने वाले पिछले साल के सुकेश हेगड़े को। सुकेश हेगड़े ने पिछले साल बंगाल वॉरियर्स के लिए 15 मैचेस में 58 पॉइंट लिए थे, जो कि इनकी तरफ से बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन आ गया था। जो कि ये पीकेएल सीजन इतने बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे और ये ज़्यादातर मैचेस में इंजर्ड थे, इसलिए बंगाल वॉरियर्स इन्हें पीकेएल सीजन 9 में रिलीज कर दी गई। और नंबर 4 पर हमने रखा है यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स से खेलने वाले चंदन रंजीत। इन्होंने पिछले साल 19 मैचेस खेले और उसमें 90 रेट्स पॉइंट लिए थे, जो कि बेंगलुरु बुल्स ने इन्हें पवन सेहरात के सपोर्ट रेडर के लिए हालिया तौर पर लिया था और इन्होंने खराब प्रदर्शन किया। और नंबर 3 पर हमने जगह दी यहाँ पर पीकेएल सीजन 8 में नितिन तोमर ने खेले थे 18 मैचेस और इसमें इन्होंने रेड्स पॉइंट लिए थे 61। और इन्होंने पीकेएल सीजन 8 में ज़्यादातर इंजर्ड रहे थे और ज़्यादातर इन्होंने मौकों पर युवाओं को चांस दिया था, इस वजह से इन्हें पुनः रिपोर्टर रिलीज कर दी गई। और नंबर 2 पर हमने जगह दी है रविंदर पहल को। रविंदर पहल ने पिछले साल गुजरात जायंट्स के लिए 8 मैचेस में 12 टैकल पॉइंट्स लिए थे, जो कि ज़्यादातर मैचेस में बेंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि ये इंजर्ड थे पूरे पीकेएल सीजन 8 में। और नंबर 1 पर हमने रखा है बड़े खिलाड़ी, जो नंबर 1 पर हमने रखा है सिद्धार्थ देसाई को। सिद्धार्थ देसाई ने पिछले साल तेलुगु टाइटन्स की ओर से 3 मैचेस में 35 रेड पॉइंट हासिल किए थे, जो कि पिछले पीकेएल सीजन 8 में पूरी तरह से इंजर्ड थे और सीजन से बाहर हो चुके थे।